शिव के विरुद्ध जो बात सुनी थी, भृगु आदि की निंदा की थी, नंदी के इस शाप को सुनकर महादेव बोले फिर हंसकर, परम ज्ञानी हो नंदी तुम तो, व्यर्थ में शाप समझ लिया मुझको, तुमने नंदी क्रोध क्यों किया, क्यों ब्राह्मणों को शाप है दिया, मुझे शाप कोई छू नहीं सकता, वेद को दूषित कर नहीं सकता, उनके बुद्धि पर क्यों जाते, तुम क्यों उनको शाप हो देते, तत्व ज्ञान के तुम ज्ञाता हो, ज्ञानियों को भी ज्ञान दाता हो, मैं ही यज्ञ हूँ यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञ आत्मा यज्ञ उपकरण हूँ, यज्ञ परायण यजमान मैं हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत मैं हूँ, ये और यह और तुम भी मैं हूँ, वास्तव में सब कुछ ही मैं हूँ, अब तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ, क्रोध आदि से शून्य हो जाओ, शिव के प्रेम में नंदी खो गए, क्रोध रहित और शांत हो गए, शिव व उनके पार्षद वहां से चल दिए, दक्ष व अन्य ब्राह्मण भी फिर सब लौट गए, दक्ष याद ये घटना करते, सदा रोष में भरे ही रहते, शिव के प्रति श्रद्धा तो त्याग कर, और शिव भक्तों की निंदा कर, दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था, दक्ष ने ऐसा काम किया था, दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा, आगे सुनो मैं तुम्हें बताता, दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध, और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना, दक्ष ने भारी यज्ञ कराया, ऋषि मुनि देवों को बुलाया, कश्यप वाम देव व अत्रि, व्यास अगस्त्य और दधीचि, गर्ग भार गव सित व भृगु, कुकुश पराशर और सुमंतु, गौतम कंक त्रिक वैशम पायन, सबने यज्ञ में किया आगमन, अन्य और ऋषि भी आए, निज परिवार साथ में लाए, ब्रह्मा जी भी वहां पर आए, विष्णु जी भी थे बुलवाए, यथा योग्य सम्मान कराया, सबको उचित स्थान दिलाया, सब दिक्पाल वहां रक्षक थे, उनके परिवार भी संग थे, यज्ञ भी दक्ष के यज्ञ में यज्ञ मंडप में आए, वहां उपस्थित हो गया सुंदर रूप बनाए, अग्नि देव भी यज्ञ में आए, अपने अनेकों रूप बनाए, ऋतवज वहां 88,000, देवर्षि थे 64,000, अधर व्यू और होता उतने, उद्गाता ऋतविज थे जितने, देवर्षि और सप्तऋषि भी, विद्याधर व आदित्य भी, गंधर्व यज्ञों नाग लोक से, सब ऋषियों के समुदायों से, बहुत नरेश वहां पर आए,
मित्र व सेना साथ में लाए, देव वसुगण सभी बुलाए, यज्ञ में दक्ष ने सभी बुलाए, दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उनकी पत्नी भी संग में थी, स्वस्ति वाचन बार बार किया, शिव को आमंत्रित ना किया, शिव को कपालधारी कहकर, यज्ञ के योग्य नहीं बताकर, पुत्री को भी नहीं बुलाया, उन्हें कपाली पत्नी बताया, यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ, दधीचि का चित अति दुखी हुआ, अपने अपने काम में सब ऋतविज लग गए, शिव को वहां ना देख कर दुखी दधीचि हुए, सबको ये वचन सुनाए, महादेव यहाँ क्यों नहीं आए, बड़े ऋषि मुनि देव हैं आए, शिव बिन यज्ञ न शोभा पाए, सब विद्वान यही कहते हैं, शिव से ही मंगल होते हैं, अमंगल जिनसे हैं मिट जाते, सारे मंगल कारज होते, फिर भी यहाँ पर प्रभु नहीं है, मैंने कहा जो सत्य वही है, हरि ब्रह्मा और इंद्र भी जाओ, लोकपाल ब्राह्मण ले आओ, सती और शंभु को लाओ, फिर यह यज्ञ पवित्र बनाओ, जिनका नाम कोई भी लेता सारा कारज पावन होता, यदि प्रभु यहाँ पर नहीं आए, यज्ञ पूर्ण ये हो नहीं पाए, दधीचि की ऐसी बातें सुनकर मूल दक्ष फिर बोला हंसकर, सबके मूल विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी भी यहाँ बुलाए, आप जैसे भी यहाँ पधारे, देव ऋषि निष्पाप हैं सारे, तो फिर यहाँ पे रुद्र का क्या प्रयोजन है, सभी ऋषि मुनि देवों का हुआ आगमन है, ब्रह्मा जी का कहा मान लिया, सती को रुद्र के संग ब्याह दिया, शिव शंभु तो कुलीन नहीं है, उनके पिता वामात नहीं है, भूत आदि के वे स्वामी हैं, सदा अकेले ही रहते हैं, उनका अतिक्रमण भी कठिन है, आत्म प्रशंसक और मूड है, यज्ञ में आने योग्य नहीं है, तभी तो ने बुलाया नहीं है, सुनो दधीचि ध्यान ये रखना, ऐसी बात नहीं फिर कहना, दधीचि बोले शिव जो नहीं है, तो फिर यज्ञ ये यज्ञ नहीं है, ऐसा कहकर फिर वे चल दिए, अन्य शिव भक्त पीछे हो लिए, शिव के भक्त वहां से चले गए, पीछे दक्ष ये कहने लग गए, शिव भक्तों की भीड़ गई है, ये तो शुभ ही बात हुई है, मेरी बात ध्यान में लाओ, अब ये यज्ञ सफल करवाओ, दक्ष की ऐसी बातें सुनकर शिव माया से मोहित होकर सभी यज्ञ में लग गए, जिसे जो काम दिया, कैसे फिर उस यज्ञ को था विध्वंस किया, पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव।
दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने का अनुरोध करना, दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान करना। सती गंध मादन पर्वत पर सखियों के संग बैठी वहां पर, तभी रोहिणी चंद्रमा को वहां से गुजरते देखा उनको। विजया सखी की ओर देख कर कहने लगी सखी से वहां पर, इनसे सखी पूछ कर आओ कहां जाते हैं पता लगाओ। विजया उनके पास में आई, चंद्रदेव ने सब समझाई, फिर विजया देवी पे आई। देवी घना अचंभा लाई, पिता के यहाँ पे यज्ञ हुआ है, हमको नहीं बुलाया गया है। फिर शिव जी के पास में आई, उनको सारी बात सुनाई, स्वामी आप भी यज्ञ में चलिए, अपने सुहृदयों से मिलिए। शिव ने सती को फिर समझाया, उन्हें सभी व्रतान सुनाया। दक्ष मेरे द्रोही हो गए हैं, अज्ञानी ही वहां गए हैं, बिना बुलाए जो जाते हैं वे सम्मान नहीं पाते हैं। बिना बुलाए जाने से मान नहीं होता, बिन बुलाए मत जाओ प्रिय में सत्य कहता। रोष सती को पिता पे आया, दुष्ट पिता ने नहीं बुलाया, अब मैं वहां पे जाना चाहूं, सब कुछ पता लगाना चाहूं। हे स्वामी मुझे आज्ञा दे दो, यज्ञ में जाने की तुम कह दो। शिव बोले यदि इच्छा तुम्हारी, तब तो तुमको आज्ञा हमारी। प्रथम गणों को संग ले जाओ और नंदी की सवारी पाओ, महारानी के अनुरूप होकर सती चली थी अलंकृत सजकर। 60,000 रुद्रगण चलते, जय जयकार के शोर गूंजते। यज्ञशाला में शिव का भाग्य देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। सती पिता के घर पर आई, भवन की शोभा भारी पाई, नंदी से तब उतर गई थी, यज्ञशाला में पहुंच गई थी। महल में जब प्रवेश था किया, किसी ने भी आदर न दिया। माता पिता का हाल देख कर, सबके उल्टे भाव देख कर, सबसे तिरस्कार ही पाया, सती को बड़ा अचंभा आया। सती ने पिता के यज्ञ में आदर न पाया, फिर भी मात पिता को उन्होंने शीश था झुकाया। सबका भाग्य यज्ञ में पाया, शंभु का कहीं नजर न आया। सती क्रोध में एकदम भर गई, अपने पिता से कहने लग गई, पिता ये भेद समझ नहीं आया,
प्रभु को यज्ञ में क्यों ना बुलाया। मंगलकारी और पवित्र है वे स्वामी तो स्वयं यज्ञ है। यज्ञ दक्षिणा यज्ञ करता है वे यजमान यज्ञ वेता है। शिव बिन यज्ञ सिद्ध नहीं होगा उनके बिन अपवित्र रहेगा। कोई उनका नाम भी लेता सब कुछ तुरंत पवित्र हो जाता। भ्रष्ट आपकी बुद्धि हो गई अधम रास्ते पर है चली गई। ब्रह्मा विष्णु जो भी आए शिव के बिना यहाँ क्यों आए। विष्णु ब्रह्मा इंद्र अन्य भी सती ने सब फटकारे वो भी। सती की ऐसी बातें सुनकर दक्ष क्रोध में बोला भर कर, अब इससे कुछ लाभ नहीं है यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। ये तो इच्छा आपकी जाओ या रुक जाओ। यज्ञ में तुम आ ही गई तो अपने भाग को पाओ। तेरे पति अमंगल रूप है वेदों से भी वे बहिष्कृत है। मुझको उसकी है पहचान शास्त्र अर्थ का नहीं है ज्ञान। देव ऋषियों का यज्ञ रचाया इसलिए उसे नहीं बुलाया। मैं ब्रह्मा की बात में आया तेरा उससे ब्याह कराया। क्रोध को छोड़ शांत हो जाओ आई हो तो भाग को पाओ। शिवद्रोही की बातें सुनकर रोष बढ़ गया उनके अंदर। यदि मैं शिव के पास जाऊंगी उन्हें हाल क्या बतलाऊंगी। रोष में लंबी सांस खींचकर बोली पिता से ऐसे कहकर। जो भी शिव की निंदा करता या कोई निंदा को सुनता दोनों को ही नरक है मिलता। उनको कोई बचा नहीं सकता। अब मैं शरीर यहाँ त्यागूंगी जलती आग में अब कूदूंगी। अपने प्रभु की निंदा सुनकर फिर क्या करूंगी अब मैं जी करे। कोई शिव निंदा करे उसकी जीभ दो काटे। यदि जो सामर्थ्य नहीं है जाओ वहां से भाग। शिव निंदक की जीभ्या काटो या फिर कान मूंद कर भागो। यहाँ सतिया कर पछताई बोली निडर क्रोध में छाई। तुमने शिव की निंदा की है यही करनी तो तुम्हें भोगनी है। जो भी दुष्ट यहाँ होते हैं वो ही बात ऐसी करते हैं। शिव के तत्व को जो भी जानता वह नहीं ऐसी बातें करता। जिनके चरण कमल के रस को संत पिलाते अपने मन को। ब्रह्मा सनक भी समझ न पाते और तुम उनकी निंदा गाते। भस्म रमा शमशान में रहते नर मुंडों की माला पहनते। फिर भी मुनि उनका यश गाते रज चरणों की माथे चढ़ाते। प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म बताए अलग अलग अधिकारी पाए। रागी विरागी करो विचार दोनों के हैं अलग अधिकार। शिव तो पार ब्रह्म स्वामी है
वे निष्काम अंतर्यामी है। महापुरुष आत्मज्ञानी ही शिव सेवन करते, तुम जैसे यज्ञ तृप्तों को प्रभु नहीं मिलते। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो शिव की निंदा करता हो चाहे कितना भी प्यारा हो, उसे त्याग देना ही चाहिए, शिव की शरण में रहना चाहिए। मुझे आपकी पुत्री बताकर और मुझे दाक्षायणी कहकर, शिव जी मुझे पुकारेंगे जब अति दुखी होंगी मैं तब, तो इस तन को त्याग ही दूंगी, निश्चय ही मैं सुखी रहूंगी। देव मुनि अब मेरी सुन लो, दुखता आ गई है तुम सबको, जिसने भी शिव निंदा की है समझो दंड की करनी की है, उन पर शिव का क्रोध पड़ेगा, उनको दंड अवश्य मिलेगा। इतना कह के फिर चुप हो गई, शिव सुमिरन में फिर वो लग गई। सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋभुओं द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। उत्तर दिशा में फिर वो बैठ गई, योग मार्ग में स्थित हो गई, अपने आसन को स्थिर कर प्राण अपान को एक रूप कर, नाभि चक्र में फिर स्थित कर उदान वायु को फिर उठा कर, उदान वायु नाभि से फिर ऊपर ली कर, बुद्धि के संग हृदय में उसे स्थापित कर। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। कंठ मार्ग से फिर ले जाकर भकुटियों के मध्य में लाकर, योग मार्ग से उस ही क्षण में फिर अपने सारे अंगों में वायु और अग्नि धारण की, चित्त की योग में स्थापन की, शिव में अपना ध्यान लगाया, योगाग्नि से तन को जलाया, हाहाकार वहां पर मच गया, धरती गगन में शोर फैल गया, सभी लोग वहां पर कहते थे, दक्ष को सभी दोष देते थे, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष है, संतान उसकी सारा जगत है, उसकी पुत्री सती देवी थी, सदा मान पाने के योग्य थी, सभी बुरा बुरा कहते थे, सब उसकी निंदा करते थे, शिव के पार्षद वहां पे आए, दक्ष मारने को वे धाए, कुछ ने शोक में प्राण ही तज दिए, कुछ ने अस्त्र व शस्त्र उठा लिए, हमें धिक्कार हमें धिक्कार, शिव के पार्षद रहे पुकार। कुछ तो पार्षद स्वयं मरे, कुछ लेकर हथियार, दक्ष को मारने के लिए हो गए वो तैयार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। भृगु जी तब उन्हें देख कर अपहता सुरह मंत्र बोल कर,
दक्षिणाग्नि आहुति दी थी, ऋभुओं की उत्पत्ति की थी, जलती लकड़ी सबके हाथ में, युद्ध हुआ था गणों के साथ में, उन्होंने ऐसा युद्ध मचाया, प्रथम गणों को मार भगाया, देव मुनि हरि के पास आए, प्रभु कैसे संकट टल जाए। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा तब आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी ये आई, दुष्ट दक्ष तू सुन अन्यायी, तूने कैसा अनर्थ कर डाला, कथन दधीची का भी टाला, वे शिव भक्त यहाँ से गए थे, तुझे शाप भारी दे गए थे, फिर भी सती यहाँ स्वयं पधारी, आखिर तेरी पुत्री प्यारी, उसका आदर नहीं किया था, तुझे घमंड ने घेर लिया था, स्वयं को ब्रह्मा पुत्र समझ कर भूल गया सब मोह में फंस कर, तीनों लोकों की माता है, सदा पुण्य फल की दाता है, शिव शक्ति मंगल करती, भय को दूर करे, मनवांछित फल देती है, सारे कष्ट हरे, शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ये देवी तो सबकी माता, विष्णु इंद्र हो चाहे विधाता, शिव ही सच्चे परमेश्वर हैं, वे ही पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर हैं, तूने प्रभु की शक्ति का नहीं सत्कार किया है उनका, अब तू इसका दंड पाएगा, तेरा विनाश हो जाएगा, जिनका योगी ध्यान लगावे, ध्यान में उनके दर्शन पावे, तूने उनका तिरस्कार किया, माँ को भी सम्मान दिया, अब तेरा कल्याण नहीं है, बस तेरा दुर्भाग्य यही है, तेरा गर्व तो आज मिटेगा, कोई सहायता नहीं करेगा, जो भी तेरी मदद में आए वो ही नष्ट यहाँ हो जाए, सभी देवता यहाँ से जाएं, इसकी सहायता को नाए, नहीं तो सबका नाश ही होगा, यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, हरि यहाँ से तुम भी जाओ, मुनि नाग तुम भी हट जाओ। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें दक्ष विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। सुन आकाशवाणी को सब भयभीत हुए, सब पर मोह सा छा गया, सब ही चुप रहे, पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव गण शिव के पास गए थे, यज्ञ के सारे हाल कहे थे, पहले शिव को शीश नवाया, फिर उन्हें सारा हाल सुनाया, आपकी निंदा सती अपमान, क्रोध सती का किया बयान, योग अग्नि में सती का जलना,
दुख से फिर गणों का मरना, प्रभु की बात बताई उन्होंने, सारी कथा सुनाई उन्होंने। अब हम आपकी शरण में आए, सिवा तुम्हारे कौन बचाए। स्मरण किया फिर शिव ने, वहाँ फिर गमन किया था तुमने। तुमने उनको शीश झुकाया, यज्ञ का सारा हाल सुनाया। शिव को क्रोध हुआ था भारी, अपनी जटाएं सिर से उखाड़ी। फिर पर्वत पर उसे पटक दिया, उसको दो टुकड़ों में कर दिया। पूर्व भाग से वीर भद्र हुए, सारी भू पर व्याप्त वे हुए। अति विशाल देह थी उनकी, 1000 भुजाएं जिनकी। जटा के द्वितीय भाग से महाकाली आई, बड़ी भयंकर थी वे तो शक्ति महामाई। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। सोम सूर्य और अग्नि को नेत्र रूप में रखते इनको, स्वामी अब प्रणाम लीजिए, मुझे तुरंत ही आज्ञा दीजिए। कौन सा काम मुझे करना है, क्या सिंधु को सोख लेना है, क्या पहाड़ों को पीस में डालूं, या ब्रह्मांड भस्म कर डालूं। देव मुनीश्वर सबको जला दूं, सब लोगों को उलट पुलट दूं। कोई ऐसा काम नहीं है जो भी मेरे वश में नहीं है। वैसे आपकी लीला मात्र से सारे कार्य होते उससे, फिर भी मुझे भेजोगे ईश्वर, आपका अनुग्रह परमेश्वर। स्वामी मुझ में जो शक्ति है, वो तो आपकी कृपा ही है। शिव चरणों में जिसकी भक्ति, उसकी हार नहीं हो सकती। वीरभद्र को शिव समझावे, यज्ञ का सारा हाल बतावे। दक्ष का सारा घमंड मिटाओ, याग परिवार भस्म कर आओ। जिसने शपथ दधीचि की, वहां उल्लंघन की। यक्ष देव गंधर्व हो चाहे कोई भी। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो भी वहां पर ठहरे हुए हैं, सबके सब मेरे द्रोही हैं। सबको भस्म वहाँ पर करना, शीघ्र लौट कर यहाँ पे आना। कोई स्तुति करे आपको, नहीं माफ करना तुम उसको। जो भी जल तुम कलश में पाओ, लीला पूर्वक तुम पी जाओ। जाओ जल्दी लौट के आओ, अपना काम शीघ्र कर आओ। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। शिव शंभु की बातें सुनकर वीरभद्र संतुष्ट होकर, फिर शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र वहां से चल दिया, लाखों पार्षद संग ऐसे थे। रुद्र समान ही वे लगते थे, शिव के जैसा वेश पहन कर चला वहां से। रथ पे बैठ कर 1000 भुजा रखते थे,
अति भयंकर और प्रबल थे, अति विशाल रथ में बैठे थे, 10,000 सिंह जोड़े थे, शार्दूल मगर मत्स्य हाथी, चामुंडा भद्रा भद्रकाली, मुंड मर्दिनी और त्वरिता काली कात्यायनी, और संग में वैष्णवी देवी ईशानी। शाकिनी प्रमथ और चटक थे, भैरव भूत गुहक परपट थे, ब्रह्म राक्षस क्षेत्रपाल थे, कुष्मांड आदि सब संग थे, जब वे चले तो शकुन बने थे, देवों को अपशकुन हुए थे, बाई भुजा वा बाई जांग और दक्ष की बाई आंख, सभी फड़कने शुरू हुए थे, दिन में तारे चमक रहे थे, तभी हुई आकाशवाणी, दक्ष ने सुनी भयानक वाणी, अरे मूढ़ सुन ओ मकार, तेरे जन्म को है धिक्कार, आज तुझे भारी दुख होगा, किसी तरह भी टल ना सकेगा, ये सुन देव सभी घबराए, विष्णु जी के पास में आए, श्री हरि को प्रणाम करके, स्तुति की फिर ऐसा कह के, दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव द्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। देव देव हे दीन बंधु, हे विष्णु हे कृपा सिंधु, हमको अपनी शरण लीजिए, आप यज्ञ की रक्षा कीजिए, शिव तत्व के ज्ञाता हरि शिव स्मरण किया, दक्ष और सब देवों को ऐसे समझा दिया, तुमको तत्व की बात बताऊं, ध्यान से सुनना तुम्हें सुनाऊं, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, तभी शिव की अवहेलना की है, जो शिव की अवहेलना करता उसका सारा काम बिगड़ता, अपूज्यों की है पूजा होती, पूजनियों की निंदा होती, जहाँ पे ऐसा किया जाता है मृत्यु दरिद्रता भय आता है, तुमने शिव तिरस्कार किया है, तभी तो संकट ऐसा हुआ है, कोई इसको टाल न सकता, दक्ष में तुमसे सत्य ये कहता, विष्णु जी की बातें सुनकर दक्ष डूबे चिंता में, वहां पर वीरभद्र सेना संग आए, अति भयंकर शब्द सुनाए, पर्वत वन सब कांपने लग गए, सभी चकित भयभीत हो गए, पत्नी संग दक्ष घबराए, विष्णु जी की शरण में आए, दंड की भांति चरण में गिर गए, श्री हरि से कहने लग गए, सत्य कर्म सिद्धि के लिए आप ही है प्रमाण, वेद ब्रह्म के रक्षक हो, रक्षा करो भगवान, पार्वती शिव भगवान।
दक्ष की ऐसी बातें सुनकर श्री विष्णु जी बोले वहां पर मुझको रक्षा करनी चाहिए, अपने प्राण को रखना चाहिए, पर तुमको मैं समझाता हूँ, तत्व की बातें बतलाता हूँ। त्यागो अपनी दुर्बुद्धि को, याद करो नेम ईशारण्य को, शिव के कोप से कौन बचाए, जो भी आए मूर्ख कहाए, केवल कर्म ही कुछ भी नहीं है, सब करने में समर्थ नहीं है, जिससे सामर्थ्य को पाता है वही स्वकर्म कहा जाता है। शिव के बिना कोई कर्म नहीं है, कहीं कल्याण की शक्ति नहीं है, प्रेम से शिव की भक्ति करता वह तत्काल कर्म फल पाता। जो बस ज्ञान का सहारा लेते, जो ईश्वर को नहीं मानते, कल्प कल्प तक नरक में रहते, तरह तरह की यातना भोगते, क्योंकि कर्म सकाम वे करते, बस उनका ही आश्रय लेते। यज्ञशाला के आंगन में वीरभद्र आए, रुद्र गणों के ये ही तो नायक कहलाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वीरभद्र अति क्रोध में छाए, सबके नाश को वे यहाँ आए, शिव की शपथ उल्लंघन करके, मैंने यहाँ से गमन न करके, आपके पास मैं रुका रहूंगा, उसका कष्ट तो मैं पाऊंगा। उसी समय शिव गण वहाँ आए, देव देख उनको घबराए। देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु व वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। सुर और शिव गण वहां पर भिड़ गए, देव हार कर भागने लग गए, इंद्र आदि बृहस्पति पर आए, आकर उनको शीश झुकाए। हे गुरुदेव दया दिखलाओ, विजय का कोई मार्ग बताओ। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर बृहस्पति बोले शिव को सुमिर कर, जो ईश्वर को पूर्ण जान कर और उसका ही आश्रय लेकर, जो भी सत्य कर्म को करता कर्म का फल उसको है मिलता। मंत्र औषधियां लौकिक पुरुष भी, कर्म वेद अभिचारिक कर्म भी, पूर्व और उत्तर मीमांसा, चाहे भी हो शास्त्र कोई सा, ईश्वर को ना जानते इनमें से भी कोई। जो भी अनन्य भक्त हैं प्रभु को जाने वो ही। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वेद पढ़ो चाहे कितनी बार, शिव को ना जाने संसार, महाश्रुति का कथन यही है, जब तक उनका अनुग्रह नहीं है होगा नहीं शांति निर्विकार, तब तक कैसा साक्षात्कार। सुनो इंद्र मैं तुम्हें सुनाऊं, सत्य सत्य तुमको समझाऊं, तुम नादानी में यहाँ आए,
शिव के गणों से कौन बचाए। शिव का मन में स्मरण करके वीरभद्र फिर रोष में भर के सब देवों को मारने लागे। घायल देव वहां से भागे, वीरभद्र फिर आगे बढ़ गए। यज्ञशाला के पास पहुंच गए, ऋषि वहां सब भय से डर गए। श्री हरि से कहने लग गए, प्रभु हमारे विनती सुनिए, दक्ष के यज्ञ की रक्षा करिए। ऋषियों की ये वाणी सुनकर मैं और विष्णु दोनों मिलकर वीरभद्र के आगे आए। वीरभद्र ने वचन सुनाए, कटु शब्द विष्णु जी से कहने लगा वहां पर। वीरभद्र की बातें सुन के बोले हरि हंस कर, पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वीरभद्र में तुमसे कहता, मैं तो शिव सेवा में रहता, दक्ष तो अज्ञान में उलझा है, कर्म कांड में ही निष्ठा है। शिव तो रहते भक्त आधीन, मैं भी भक्तों के आधीन, दक्ष है मेरा वक्त बताऊं, आगे सुनो तुम्हें समझाऊं। मैं तुमको बढ़ने से रोकता, होने वाला है जो होगा। विष्णु जी की वाणी सुनकर वीरभद्र बोला फिर हंसकर, श्री हरि को शीश झुकाया, फिर उनको ये वचन सुनाया। महाप्रभु जो मैंने कहा था वह तो परीक्षा हेतु कहा था। जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, सभी वेद ऐसा कहते हैं, वे शिव की आज्ञा से चलते हैं। हम सब शिव के सेवक ही हैं, मैंने जो कुछ बात कही है, सब में आदर भाव मानिए, अवसर के अनुरूप जानिए। वीरभद्र की बातें सुन हंसे श्री भगवान, मुझसे निशंक युद्ध करो बोले कृपा निधान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर दोनों में घोर युद्ध हुआ, विष्णु चक्र स्तंभित किया, अंतर ज्ञान हरि ब्रह्मा हुए, दोनों अपने लोग चले गए। देवता सभी पराजित हो गए, अपने अपने धाम चले गए। यज्ञ भी मृग का रूप धार कर वहां से भागा था फिर डर कर। वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया, उसका मस्तक काट ही दिया। देव मुनि जो बाकी रह गए, सारे अंग भंग कर दिए। मणिभद्र ने भृगु उठाकर जोर से मारे वहां पटक कर, पैर से उनकी छाती दबाई, दाढ़ी मूछे करी खिंचाई। चंड ने कदम बढ़ाए आगे, फिर पूषा के दांत उखाड़े। पूर्व काल की यही बात थी, दक्ष ने शिव को गालियां दी थी। दांत दिखा कर पूषा हंसे थे, यूं ही दांत उनके उखड़े थे। फिर नंदी ने रोष में आकर भग को मारा वहीं उठा कर, क्योंकि दक्ष महादेव को जब दे रहे थे शाप, आंखों के संकेत से हां
कर रहे थे भगी। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। भग की हालत ये कर डाली, उसकी दोनों आंखें निकाली, स्वधा स्वाहा और दक्षिणा की भारी दुर्दशा इनकी हुई थी। मंत्र तंत्र जो और लोग थे उनको भी अति दंड दिए थे। भय के मारे दक्ष भाग गया, अंतर्वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र फिर पता लगा कर बाहर लाए उसे पकड़ कर, मस्तक पर तलवार चलाई लेकिन सिर को काट न पाई। वीरभद्र की समझ में आया योग की है ये सारी माया। फिर उसकी छाती पे बैठ कर हाथों से गर्दन को तोड़ कर अग्नि कुंड में उसे जला कर पहुंच गए कैलाश पे जाकर। मन ही मन शिव जी हर्षाए, प्रथम गण अध्यक्ष बनाए। श्री विष्णु जी की पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और छुप के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवद्धता तथा श्री हरि का छुप को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। नारद जी विस्मय में पड़ गए, ब्रह्मा जी से पूछने लग गए, श्री हरि क्यों अकेले आए, शिव शंभु को साथ न लाए। हरि ने क्यों था युद्ध किया, पितृदेव समझाओ, कृपा करके आप अब सारा संशय मिटाओ। पूर्व काल की बात बताऊं, हरि को दधीचि का शाप सुनाऊं, तभी तो विष्णु भूल गए थे, बिन शंभु के चले गए थे। छुव नाम के प्रसिद्ध राजा थे, वे दधीचि के प्रिय मित्र थे। एक बार फिर ऐसा हो गया, दोनों में घना विवाद छिड़ गया। शिव के भक्त दधीचि ये कहते, यहाँ पर चारों वर्ण जो होते सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। छुव ने अपना तर्क सुनाया, अपने मित्र को ये समझाया, इंद्र व लोकपाल स्वरूप वही राजा का होता रूप। राजा सबका स्वामी होता और सबका ही पालन करता, श्रुति ने भी यही कहा है, सर्वदेव में ही राजा है। इसलिए तो मैं ये कहता, राजा सर्वश्रेष्ठ है होता, श्रुति का ये कथन है कहता, जो भी सबसे बड़ा देवता वह मैं ही हूँ, जो सबसे बड़ा देवता है। तभी तो श्रेष्ठ ब्राह्मण से राजा होता है। छुव की ऐसी बातें सुनकर तब दधीचि ने क्रोध में भर कर मुक्के से प्रहार किया था, छुव मस्तक पर मार दिया था। छुव को भी फिर गुस्सा आया, उसने अपना वज्र उठाया, दधीचि पे प्रहार किया था, उनको वज्र से काट दिया था।
पहुँचते समय दधीची मन में शुक्राचार्य लाए ध्यान में। शुक्राचार्य ने वहाँ पे आकर उनके तन को फिर से जोड़ कर महामृत्युंजय मंत्र बताया, फिर दधीची को था समझाया। हम शिव का आराधन करते तीन लोक के पिता जो होते, तीनों गुण और विद्या तत्व आम तत्व और है शिव तत्व। गाहर पत्य और दक्षिणाग्नि आहवनी ये तीनों अग्नि, भूजल तेजो ये तीनों मूर्त अथवा सात्विक आदि भूत। हरिहर ब्रह्मा तीनों देव ये सब हैं ईश्वर महादेव। जैसे फूलों में छुपी उत्तम गंध है, ऐसे सब में आत्म रूप ईश्वर व्याप्त है। पुराण है